हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन IAS 4-5-6। कई ढेर सारे लोगों ने इंटरव्यू में देखा होगा, इंटरव्यू के जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि IAS 4-5-6 मस्ट नो। IAS 4-5-6 आपको जानना है। आप खोलते हो IAS 4-5-6 और देखते हो, और उसका देखने के बाद, पेज पलटने के बाद सो जाते हो ना। समझ में नहीं आता कि हम IAS 4-5-6 में तैयार क्या करें। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि IAS 4-5-6 में क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको तैयार कर लें तो हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। कई लोगों ने बहुत दिन से कमेंट किया कि सर, IAS 4-5-6 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि एक PPT के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है IAS 4-5-6 में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और शेयर कैसे करना है, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना है भाई। देखो, इतना तो कर सकते हो ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आपको IAS 4-5-6 पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा आपको IAS 4-5-6 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनुअल डिजाइन पढ़ लीजिए और मेरा IAS कोड पढ़ लीजिए। आप बोलोगे सर आपका IAS कोड मतलब, मैंने खुद से उसमें जो मॉडिफिकेशन चाहिए थे, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, निकाल के एक PPT में प्रेजेंट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो IAS 4-5-6 में हमको पढ़ना ही चाहिए। और अगर आपको दूसरे IAS कोड मतलब IAS 800 का भी चाहिए, IAS 875 का भी चाहिए, IAS 1893 का भी चाहिए, वो भी नीचे कमेंट करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोग IAS 4-5-6 को ओपन करते हो तो सबसे पहले आता है आपके सामने एक सीमेंट। मींस सीमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन न पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता है। सो सबसे पहले व्हाट इज सीमेंट। सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल, आल्सो अ सब्सटेंस यू यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट हार्डनेस एंड अडहेस टू अदर मटेरियल्स टू बाइंड देम टुगेदर। मींस सीमेंट आपका क्या करता है, उसको बांधने का काम करता है। एक एक पार्टिकल को, लाइक आपने देखा होगा ब्रिक को, सैंड को, एग्रीगेट को, सबको मिक्स करने का काम कौन करता है, सीमेंट। दोस्तों, इसका यूनिट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंटरव्यू में पूछा जाता है 1440 kg/m³। अदरवाइज इफ एनीवन आस्क इन किलोन्यूटन, सो इज 14.4 kN/m³। वन बैग सीमेंट वॉल्यूम इज 0.05 m³। और कभी कभी लोग क्यूबिक फीट में पूछ लेते हैं, तो भी आप आंसर दीजिए क्यूबिक फीट में, 1.23 m³। नाउ विल टॉक अबाउट बैग साइज। तो आपको बैग का वेट पता होना चाहिए, सीमेंट बैग वेट इज 50 kg। इसमें फ्रेंड्स कई ढेर सारे टाइप्स होते हैं, मीन्स ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड कौन कौन से होते हैं, 33, 43, 53। कौन कौन से होते हैं, 33, 43, 53। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं, OPC में 43 यूज करते हैं। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं वो बताना चाहूंगा। डिजाइन, मैनुअल डिजाइन के अलावा, मैनुअल डिजाइन में जो टच होता है वो मैंने नहीं टच किया यहाँ पे, क्योंकि वो टच करूंगा तो PPT बहुत बड़ी बन जाती थी। तो मैंने मैनुअल डिजाइन में, तो ऑलरेडी जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो पढ़ते हो, उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट ये है। और आप बोलोगे सर मैनुअल डिजाइन कैसे होगा, हाँ जी, तो आप बस थोड़े दिन और इंतजार करिए, आपके सामने मैनुअल डिजाइन भी आने वाला है। मैं आपको एक एक चीज का, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, सबका मैनुअल डिजाइन कराने वाला हूँ, बस हमसे आप जुड़े रहिए। हम बात करते हैं एडमिक्सचर्स की। एडमिक्सचर्स आर द सब्सटेंस विच आर एडेड इन द कंक्रीट इन एडिशन टू इट्स इंग्रेडिएंट टू इनहेंस इट्स परफॉर्मेंस। क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करता है, और कभी कभी डिक्रीज भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रोड पे, अब रोड पे RCC लगाया तो हमको बहुत जल्दी उसको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी स्ट्रेंथ इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत जल्दी आएगी, गाड़ियाँ रोक के रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे बर्फ पड़ रहा है वहाँ पे भी हमें जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो बर्फ आ जाएगी तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इस तरीके से रिटार्डर और एक्सेलरेटर दोनों यूज करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, फ्लाई एस, मेटामोल्किन, रिटार्डर, बहुत ढेर सारे और भी ढेर सारे, सोडियम सिलिकेट भी रिटार्डर में यूज होता है। मैं एक मिनट ओपन कर लेता हूँ PPT।
तो अब देखते हैं कि सब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपने देखा होगा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन 6 to 8, मीन्स 6 to 8 के बीच में पीएच ऑफ वाटर आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग के लिए कितने का यूज करते हो? 7, ओके। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द स्टील 200 × 10³ किलो न्यूटन पर mm², ठीक है। इलास्टिक मॉडल्स ऑफ द स्टील लोग पूछ लेते हैं, तो आप आगे से बता देना उनको कि भाई ये होता है। कई लोग यूनिट वेट ऑफ सैंड मींस, अब देखिए यूनिट वेट बोला गया है मतलब डेंसिटी भी वही है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा सर यूनिट वेट तो हमने याद किया था बट इन्होंने डेंसिटी पूछ लिया, नहीं जी डेंसिटी एंड यूनिट वेट इज सेम, इज 1600 to 1800 kg/m³। नाउ इफ विल टॉक अबाउट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट में इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो सेपरेट ही बनाया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन कौन से? M10 to M20 ऑर्डिनरी कंक्रीट होते हैं, ओके। एंड स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन कौन से होते हैं? M25 to M55। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन से होते हैं? M60 to M80, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये ग्रेट है, इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज कितना आता है, वो ये है 10, ऑर्डिनरी का 15, M15 का ये 15 और 20 का 20, इस तरीके से आता है, ठीक है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कितनी होती है, कैसे निकालेंगे? तो एग्जांपल में जैसे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, FCR का फॉर्मूला आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, 0.7 अंडर रूट FCK, पढ़ा था ना हमने, 0.7 इस तरीके से अंडर रूट FCK, जैसे आपने FCK किया यहाँ पे इस तरीके से FCK आ गया, ओके। इसके बाद यूनिट वेट ऑफ RCC आपने सबने पढ़ा होगा कितनी होती है, 2500 kg/m³, और PCC का 24। लोग कंफ्यूज होकर इसको क्या करते हैं, वाइस वर्सा कर देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना, आपका RCC का ज्यादा होता है, PCC का कम होता है। नाउ विल टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है यार, क्या 5000, तो क्या होता है चीजें हम पढ़े नहीं रहते तो हमको टफ लगता है, बट इफ यू लाइक नो द थिंग्स बहुत इजी होता है, 5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। FCK क्या है, M20 M25, ये होगा ना, तो चेंज करके आप पता कर सकते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होगा। नाउ FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, अभी अभी हम लोगों ने पीछे देखा, राइट, इन न्यूटन पर mm². नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रीप, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं क्रीप क्या होता है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंटिन्यूअस लोडिंग, ओके। मतलब कि देखते होंगे आप लोग ढेर सारे ब्रिजेस क्या होते हैं बीच में, जो ब्रिजेस हमारे होते हैं वो ब्रिजेस बीच में क्या कर जाते हैं, वो उन ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक इन द सेंस टेढ़े हो जाते हैं, चल रहे हैं बट टेढ़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्रीप कोफिशियंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि क्रीप कोफिशियंट जैसे से बढ़ता जाता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए 1.1 हो रहा है, आफ्टर 30 ईयर 40 ईयर क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिजेस वो डिफॉर्म होते जाते हैं, तो ये देखिए आप डायग्राम में आपको काफी समझ आ जाएगा। नाउ इफ विल टॉक अबाउट वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, वर्केबिलिटी मतलब समझते हो ना, आपने कॉलेज में स्लम टेस्ट खूब पढ़ा होगा, क्या साइज होता था स्लम टेस्ट का, ऐसे करते थे, ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, इसको बोलते थे क्या, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वही चेक करता है कौन, क्या वर्केबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट विच डिटरमाइन द इजी एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन बी इजली मिक्सड प्लेस कॉन्सोलिडेट एंड फिनिश्ड, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑल्सो, ओके। नाउ अब इसके लिए यार एक सेपरेट IS कोड है, अगर आप बहुत डीप में जानना चाहते हैं तो IS 1199 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नाउ अब देखिए आपका जो कंक्रीट होता है वो वेरी होगा जब होता है, तो उसके लिए आपके IS 7.1.1 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ब्लाइंडिंग एंड कंक्रीट, वेरी लो मतलब 25 के नीचे,
ठीक है। अगर इसकी वैल्यू, वैल्यू कैसे मतलब बकेट उठाते हैं तो उसकी जो एमएम में वैल्यू आती है वो वैल्यू बताती है कि ये लो है कि मीडियम है कि हार्ड है। चलिए अगर लो है तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे देख लीजिए, पेमेंट्स यूजिंग फेयर्स, मास कंक्रीट, लाइटिंग रेनफोर्समेंट में, सेक्शन इन स्लैब, ऐसे जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, और बीम्स, वॉल, कॉलम, फ्लोर्स, मींस मैक्सिमम जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मीडियम है तो देखिए हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मीडियम है तो हमको हैवी रेनफोर्स, सेक्शन इन स्लैब, स्लैब में जो मेन पोर्शन है उसमें, बीम्स, वॉल, कॉलम्स में यूज कर सकते हैं काफी जगहों पे। और अगर हाई है तो पम्प कंक्रीट और ट्रेंच फिल और पाइलिंग में यूज कर सकते हो। वेरी हाई जे तो टर्मिनल कंक्रीट, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ था। और इसमें ना इसके रिजल्ट होते चार, कौन कौन से, ट्रू स्लम टेस्ट, सियर स्लम टेस्ट, कोलैप्स स्लम टेस्ट, जीरो स्लम टेस्ट। ये क्या होते हैं, ये रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शायद उसकी ड्राइंग नहीं है तो ये देखिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके के रिजल्ट हो जाते हैं कि ट्रू स्लम, जीरो स्लम, और ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें फॉर्मवर्क बड़े दिन से पढ़ते आ रहे हो बट आज क्लियर आपको हो जाएगा। फॉर्मवर्क, इट इज टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग, सॉरी क्रिएटिंग अ टेम्परेरी मोल्ड इन टू विच कंक्रीट इज प्योर्ड एंड फॉर्म्ड। और दूसरे शब्द हम कह सकते हो इट इज द टेम्परेरी एडिशनल स्ट्रक्चर और मोल्ड कंस्ट्रक्शन डन टू कीप द कंक्रीट और रिलेटिव मटेरियल इन पोजिशन अंटिल इट्स। मतलब ये सहारा देता है कि जब तक आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ ना पा जाए हम आपके साथ हैं। मींस अगर ये आपका क्या है, कॉलम है, तो इसके बगल में खड़ा होके इसको सपोर्ट करता है कि किस तरह से ये गिरे ना। ठीक है, देखते होंगे आप। तो उसका कौन कौन से मटेरियल का बना सकते हो ये, तो दोस्तों इसको टिम्बर का बना सकते हो, प्लाईवुड का बना सकते हो, स्टील का बना सकते हो, एल्युमिना का बना सकते हो, कॉम्बिन और सबको मिला के भी बना सकते हो। आजकल सबसे ज्यादा एल्युमिना फॉर्मवर्क में चल रहा है बहुत ज्यादा, इसके लिए कई ढेर सारी कंपनियां भी आ चुकी है मार्केट में। शटरिंग, शटरिंग जो होता है ये क्या है, इट इज द यूज फॉर वर्टिकल मेंबर्स लाइक अ कॉलम। अगर ऐसे लगा है जिसको क्या बोलना चाहिए, शटरिंग बोलना चाहिए, इसे फोमर मत बोलो, फोमर तो नॉर्मल लोगों को भी पता है दोस्तों। लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर हो, इसका मतलब आपको शटरिंग बोलना चाहिए, किसके लिए, कॉलम के लिए। बट जैसे ही सेंटरिंग आए तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये, इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लाइक बीम स्लैब। बीम और स्लैब के लिए क्या यूज करेंगे, सेंटरिंग यूज करेंगे। स्टैगिंग क्या होता है, सपोर्ट विच इज प्रोवाइड फॉर शटरिंग और सेंटरिंग लाइक प्रॉप्स। कहते हैं ना ये ऐसे बगल से लगा देते हैं जिससे गिरे ना कॉलम, सो दैट इज व्हाट, दैट इज स्टैगिंग। नाउ दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स पे, फॉर्मवर्क्स के जो कितने दिन में रिमूव करने चाहिए। वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स और वॉल्स और बीम्स के लिए 16 to 24 आवर्स इज इनफ। सॉफिट, सॉफिट मतलब ऐसे सेप, ऐसे जो सेप होते हैं ना, सॉफिट और सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब लाइक प्रॉप्स, इसको 3 डेज में हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सॉफिट फॉर्मवर्क फॉर बीम, बीम के लिए अगर स्लैब के लिए है तो 3 डेज, बीम के लिए 7 डेज इज इनफ। नाउ विल टॉक अबाउट स्लैब, तो स्लैब अगर 4.5 मीटर तक है तो उसको 7 डेज में कर सकते हो। अगर 4.5 मीटर के ऊपर है तो उसको 14 डेज में कर सकते हो। अगर 6 मीटर है तो उसको 14 डेज में करना, 6 मीटर तक है तो 14 डेज में, उसके ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा, 28 डेज तक रखना पड़ेगा। कब, जब 6 मीटर के ऊपर स्पैन हो तो। ठीक है, तो ये फॉर्मवर्क के आपके कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, अब पीएच ऑफ वाटर तो हमने पीछे भी देख लिया, आप याद रखिएगा 6 to 8 होना चाहिए तभी हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड इन वाटर यूज ऑन कंक्रीट, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट इन सॉलिड, जो वाटर हम लोग यूज करें, ऑर्गेनिक इतना होना चाहिए, इनऑर्गेनिक इतना होना चाहिए, सल्फेट इतना, क्लोराइड्स इतना, सस्पेंडेड मेटल्स इतना, ओके, एमजी पर लीटर में। नाउ श्रिंकेज, बहुत से लोगों ने देखा होगा श्रिंकेज, बीच में आपके घरों में क्रैक्स आ गए होंगे, वही श्रिंकेज है। चलिए इसको थोड़े से टेक्निकल लैंग्वेज देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन कंक्रीट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवेपोरेशन इज नोन एज कंक्रीट श्रिंकेज।
वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवेपोरेशन इज नोन एज कंक्रीट श्रिंकेज। किस पे होता है, कब होता है? कॉन्सिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ मेंबर्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके घरों में बारिश हो रही होगी, अभी देखिए बीच में बारिश हुई थी तो कई घरों में क्रैक्स अभी अभी जनरेट हुए होंगे। उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि अभी अभी वॉल में इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है। ओके, अप्रॉक्सीमेट श्रिंकेज स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? चल जाएगा जितने पे 0.0003। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट कॉलम्स। तो कॉलम का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप उसको देखिएगा कि टाइप्स ऑफ कॉलम। तो मैंने उसमें ऑल टाइप के कॉलम डिस्कस किए, बट यहाँ ये स्ट्रक्चर के IS-456 की बात हो रही है, तो ओनली टाइप्स ऑफ कॉलम जिसमें सिलेंडरनेस रेशियो के बेस पे हमने फिक्स किया है, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। नाउ शॉर्ट कॉलम एवरीवन नो, लॉन्ग कॉलम एवरीवन नो, वैसे नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, LX/D इज लेस देन 12 इज शॉर्ट कॉलम एंड LX/D इज ग्रेटर देन 12 इज लॉन्ग कॉलम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक कॉलम आपके पास है, कितने मीटर का है ये? 3 मीटर का है। ओके, और ये इसका जो ये जो है वो 0.3 है, मान लो 300 mm का है ये। तो 3 मीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, सॉरी mm में कन्वर्ट करोगे तो, और इसको अगर मीटर, इसको mm में कन्वर्ट करोगे, कटोगे तो कितना आएगा? 10। ये 10 से क्या है, 12 से छोटा है ना, इसका मतलब ये क्या है? शॉर्ट कॉलम। कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरीज द लोड फ्रॉम स्लैब बीम एंड ट्रांसफर टू द फाउंडेशन। इट इज ऑल्सो कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, ये कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, बीम जो होता है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है, बट कॉलम केवल और केवल कंप्रेशन मेंबर होता है। शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम इट्स डिपेंड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं कितना इसमें, कितने बार्स होने चाहिए कॉलम में? 4 बार्स होने चाहिए। इसमें सर्कुलर में कितने बार होने चाहिए? 6 होने चाहिए। और कॉलम का मिनिमम बार का साइज जो होना चाहिए वो 12 mm होना चाहिए। कितने mm होना चाहिए? 12 mm। एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, अगर बार जो है उसका ये चीज़ 12 mm है और ये चीज़ 16 mm है, कितने mm है? 16 mm है। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पे लैपिंग हो रही है और लैपिंग का आपको फॉर्मूला पता है 45D, तो जो D है वो कितना लेंगे? तो आप बोलोगे सर डाया बार, तो हाँ मोए हमें भी पता है डाया बार, पर डाया क्या लोगे, 12 या 16? बताओ बताओ, नहीं पता है, नहीं पता ना। ये जो 12 mm होता है, अगर कुछ लोगों को पता होगा, जो मिनिमम बार होता है उसको एज अ लैपिंग कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम को कभी कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं बीम्स की। बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरीज द लोड फ्रॉम स्लैब टू ट्रांसफर टू द कॉलम एंड ऑल्सो गिव द सपोर्ट टू द स्लैब। ठीक है, कौन कौन से टाइप के बीम होते हैं? एक टी टाइप का बीम होता है और एक एल टाइप का होता है, फॉर कंटिन्यूअस टी एंड एल बीम्स। एंड इफेक्टिव फ्लेंज ऑफ द विड्थ कैसे क्लियर करते हैं? ये फॉर्मूला है VF इक्वल टू एल नॉट और बाय 6 BW प्लस 6 DF, और एल सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक दिन मैं आपको इसका भी डिजाइन करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। फॉर कंटिन्यूअस बीम्स एंड फ्रेम्स एल नॉट में भी एज्यूम एज बाय डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं कितना, 0.7। ठीक है, और टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव स्पैन 0.7 इंटू इफेक्टिव स्पैन। नाउ कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, कैसे पता करोगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना है तो ये पास है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है क्या, स्पैन बाय 250। मतलब आपका स्पैन अगर 3 मीटर का है तो 3000 बाय 250 कट कर दो। अगर इसके अंदर में आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब आपका बीम सेफ है, अगर इसके ऊपर आ रहा है भाई डिजाइन चेंज कर दो। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि आप शिमला में हो, कश्मीर में हो, तो ऐसे जगहों पर स्पैन बाय 350 यूज़ करो तो आपके लिए बेटर होगा। नाउ बेसिक वैल्यू, आप बोलोगे सर ये क्या होता है? बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 meters। बेसिक वैल्यू 10 मीटर के लिए कैसे डिसाइड करते हैं, कहाँ यूज होता है, कभी देखा है आपने? आपने देखा कि स्लैब का डेप्थ डिजाइन करते हैं कैसे करते हैं? शॉर्टर स्पैन, मैं माउस से लिख रहा हूँ सो आप कंसिडर कर लेना यार, समझ जाना, शॉर्टर स्पैन बाई मॉडिफिकेशन फैक्टर इनटू
बेसिक वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए ये जो बेसिक वैल्यू है वो यही है भाई। क्या कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टर के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए 26। और शॉर्टर स्पैन आपको पता है जो सबसे छोटा हो उसमें लेंथ विड्थ में, और मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.2 to 1.5 हो ग्राफ में देख के आप कंसीडर करते हो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेसर्स और चेयर्स। चेयर्स क्या होता है पहले ये बता दूं, बाकी आपको पता है स्पेसिंग उसका 1 मीटर। चेयर्स एक्चुअली जैसे ये क्या है, ये मेन बार है और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार है मान लीजिए स्लैब में। अब ये दोनों एक दूसरे से मिले ना तो इनके बीच में एक ब्लॉक लगाते हैं जिससे कि दबे ना और दब के एक दूसरे से मिले ना, तो उसको बोलते हैं चेयर्स। ठीक है, तो उसको मैक्सिमम कितना रखते हैं 1 मीटर रखते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम परमिशिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को यार 1.5 मीटर के ऊपर मत फेंको। ऐसा क्यों, यहाँ क्लॉज में जाके आप पढ़ सकते हो, पर मैं आपको और ये स्पेसर के बारे में भी इस क्लॉज में जाके पढ़ सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज हो जाता है ना, तो सॉरी श्रिंकेज कर रहा हूँ। वन सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है ना, वो क्या होता है फैलने लगते हैं तो खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो वो ना आए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट 1.5 मीटर ही रखते हैं। लैब स्प्लाइस शुड नॉट बी यूज फॉर लार्जर डाया, मतलब अगर 36 mm के ऊपर है तो उसके लिए इस क्लॉज में जाके आप पढ़ लेना। देखिए मैंने क्लॉज इसलिए दिया है कि आप डायरेक्ट इस क्लॉज में जाओ और यही पढ़ लो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो 36 के ऊपर के लिए हम लोग लैपिंग यूज नहीं करते। और अभी अभी पीछे हमने जो बताया कि अगर 2 बार हैं तो 2 बार में जो छोटा वाला बार है उसको हम लोग लैपिंग के लिए कंसिडर करेंगे। बड़े वाले बार को लैपिंग के लिए कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्लॉज नंबर 26.2.5.1 पे जाके देखिए। ऑलवेज रिमेंबर द डाया ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। मतलब कि अगर आपको बार डालना है स्लैब में तो उसका मैक्सिमम अगर चेक करना है तो स्लैब बाय एर्थ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितने एमएम के बार हम डाल सकते हैं। कॉलम में हमने अभी पीछे आपको बताया कि कॉलम में 12 mm से ज्यादा का बार नहीं डालना चाहिए। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज फॉर कंक्रीट इज M20 और लोअर। ठीक है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, देखिए नॉमिनल क्या मतलब कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका, OMRF मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम अगर है तो M20 या उससे नीचे का यूज कर सकते हो। द लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट फॉर स्टील इज, स्टील के लिए भैया 1.5 सॉरी स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15 कंक्रीट के लिए 1.5। द प्रूफ स्ट्रेस इन स्टील इज कंसिडरिंग टू द स्ट्रेन इज 0.002। नाउ स्पेसिंग की बात करते हैं, स्पेसिंग्स ऑफ द रेनफोर्सिंग सीमेंट एंड स्लैब। देखो स्पेसिंग के लिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, स्पेसिंग मैक्सिमम 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग्स बिटवीन 2 पैरेलल मेन बार्स शैल नॉट बी लार्जर डाया एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट और +25 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब तो जैसे कि कोर्स एग्रीगेट आपने जो भी यूज किया M25 या 20 और +5, इसके नीचे आपका मिनिमम स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 mm और 2/3 और मैक्सिमम साइज ऑफ द विच एवर इज ग्रेटर। अब इसमें से जो सबसे छोटा है उसको हम लोग डाटा में यूज कर लेंगे। नौ मैक्सिमम स्पेसिंग्स बिटवीन 2 बार्स इन टेंशन, ठीक है, यहाँ पे सीधे देख सकते हैं 300, 180 और 150। अब आपको पता होना चाहिए कि वो 250 और ये मतलब 250 के लिए 300, 415 के लिए 180 और 500 के लिए 150 रहेगा रिस्पेक्टिवली। फॉर स्लैब द मैक्सिमम स्पेसिंग्स बिटवीन 2 पैरेलल रेनफोर्सिंग बार सेल बी 300, पहले भी मैंने बताया। द मैक्सिमम स्पेसिंग्स बिटवीन 2 सेकेंडरी पैरेलल्स शैल बी 450 mm और विच एवर इज लेस।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मैंने काफ़ी कोशिश किया कि पूरे IS 456 को शॉर्ट किया जाए। मैंने डिज़ाइन के फॉर्मूले नहीं उठाए क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी मैं आपको मैनुअल पढ़ाने वाला हूँ। बाकी जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी चीज़ों को आपको बताया। आपको ये कैसा लगा? क्या आपको IS 800 का भी ऐसा ही PPT चाहिए? प्लीज़ डू कमेंट, कमेंट करके जाना। अगर यहाँ तक आप PPT को पढ़े हो, मतलब आप इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल पे, हर एक, जो भी नए लोगों में बता दूँ, हर एक टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग का कवर किया जाता है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सॉफ्टवेयर। सो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। और साथ ही साथ जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो। काफ़ी लोग जुड़े हैं तो उनको मैंने थैंक यू भी बोला है। अभी ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो उनको भी हम थैंक यू बोलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस गाइज़।